ये किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की इमारत नहीं, ये झारखंड विधानसभा का नया भवन है। इस नए विधानसभा भवन का निर्माण कार्य लगभग मुकम्मल हो चुका है। इसी के मद्देनजर प्रदेश के सीएम रघुवर दास ने विधानसभा भवन का दौरा कर निर्माण कार्यों का जायजा लिया। झारखंड का अपना नया विधानसभा भवन बनकर तैयार है। आज मुख्यमंत्री रघुवर दास ने औचक निरीक्षण किया और निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर एक एक कमरे में वो गए, असेंबली हॉल से लेकर स्पीकर के कमरे तक गए और सब कुछ बारीकी से देखा। राज्य के मुख्य सचिव डॉक्टर डीके तिवारी ने कहा कि यह विधानसभा कई मायने में इतिहास साबित होगा। ये नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। करीब 365 करोड़ रुपए की लागत से बने भवन की खूबसूरती देखने लायक है। विधानसभा भवन जिसका फाउंडेशन रखा गया था इस सोच के साथ कि इसी सत्र में इसको पूर्ण करना है, उस हिसाब से बहुत ही अच्छी सफलता है कि इसी सत्र के समाप्त होने के पूर्व ही ये विधानसभा भवन पूर्ण हो रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। इसके आपके मेन हॉल में देखिए तो झारखंड की जो आत्मा है उसको प्रदर्शित किया गया है, जल, जंगल और जमीन। तो वो आर्ट इतनी सुंदर है कि मुझे लगता है कि किसी भी विधानसभा भवन के डोम से वो बेहतर होगी। तो निश्चित रूप से हम सब लोग बहुत हर्षित हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने आज इसका स्थल निरीक्षण किया है और बहुत तीव्र गति से इसमें काम चल रहा है। तो हम सब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं, आशा करते हैं कि ना ही सिर्फ भवन सुंदर होगा बल्कि आगे जो सेशन चलेगा, जो उसकी प्रक्रियात्मक रूप से जो उसके निर्णय होंगे वो राज्य के हित में होंगे, सबके लिए शुभकारी मंगलकारी। नए विधानसभा भवन के उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं। 12 सितंबर को पीएम मोदी इस भवन का उद्घाटन कर सकते हैं। नए भवन के उद्घाटन के बाद मौजूदा विधानसभा भवन इतिहास बनकर रह जाएगा। आपको यह भी बता दें कि झारखंड के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 सितंबर को करेंगे। 12 सितंबर का दिन ऐतिहासिक होगा झारखंड के राजनीतिक इतिहास में। और इस विधानसभा की खासियत यह है कि इसमें भविष्य को देखते हुए 150 माननीय विधायकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। जाहिर सी बात है कि राज्य के सबसे बड़े पंचायत का ये भवन सबसे अद्भुत और दर्शनीय होगा पूरे देश में। कैमरा पर्सन सुरेंद्र प्रसाद के साथ ब्रजेश राय, R9 TV, रांची।